अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कहा था कि हम ओल्ड कार पे एक व्लॉग बनाएंगे, क्या कि वो वैल्यू फॉर मनी होती है या नहीं। तो अगर पाकिस्तानी मार्केट में आप बात करें ना ओल्ड कार में, तो टोयोटा जो है वो अपनी मार्केट बना चुकी है। तो इसके साथ मेहरान भी जो है वो भी अपनी काफ़ी हद तक मार्केट उसने बनाई हुई है, लेकिन मेहरान की जो है वो बस छोटी सी आती थी, तो टोयोटा की तो काफ़ी पुरानी है। तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे 1986 की है या 76 की आप कर रहे हैं, तो इसका स्पेयर पार्ट आम से आम दुकान पे, छोटी से छोटी जगह पे भी आसानी से अवेलेबल होते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। इवन कि आपकी अगर गाड़ी एक्सीडेंटली हो गई है, तो आप जाएं उसे कहें कि जी ये पार्ट चाहिए, तो वो आपको आसानी से दे देगा और इजीली अवेलेबल है, इसमें कोई इशू नहीं। इसलिए जो लोग फिर इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं या नई शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या वो दूसरी अपना स्पोर्ट्स कार में तब्दील कर रहे हैं, तो जो भी अल्ट्रेशन करनी, ये जो भी इस तरह का सामान होता है, तो इन कार्स का आसानी से मिल जाता है। तो दूसरे मिल भी जाते हैं, और तीसरा इनकी जो स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा होने की वजह से तो प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ ये मेहरान है, और मेहरान के भी क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन रही है, 22 साल इसने हुकूमत की है, तो इसीलिए इसके जो स्पेयर पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इसके भी मिल जाते हैं। यानी अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं या रिस्टोर कर रहे हैं, तो इसका भी कोई आपको ऐसा इशू नहीं मिलेगा, तो ये भी आसानी से मिल जाएंगे। इसके जो रखी हुई थी जब हमने, तो इसके जो साइड मिरर्स हैं ये भी कोई 300-400 रुपए के आसानी से मिल जाते थे, और उस वक्त जो टोयोटा के थे वो 1600 के मिलते थे, तो आसानी था, स्पेयर पार्ट को ऐसा इशू नहीं था। ताकि पाकिस्तान में तो ये बहुत मशहूर हो गया था कि अगर आपने कार सिखानी है ना, तो वो नेहरान से शुरू कर ले। अब ये जिन गाड़ियों के नहीं मिलते, उनमें से चंद एक है, लांसर हो गई, ये अपना निसान सनी होगी, इस तरह की हैं। तो आज हम लांसर सनी की बात करते हैं। लांसर के एक तो मार्केट से आउट है, ये पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ी इतनी नहीं है, तो जो लोग इन्हें रिस्टोर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो वो इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो फिर बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवा के इनकी वो असेंबली या अल्ट्रेशन, इस तरह का जो भी सीन होता है वो यस मस करते हैं। और दूसरा फिर जो गाड़ी है मार्केट की नहीं होती, तो जब आप उन्हें लेने जाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट वो किसी किसी दुकान पर पड़े होते हैं, ठीक है, और फिर मालिक मु जो मालिक मकान हो, तो मालिक दुकान होता है, वो अपनी मर्ज़ी से देता है, वो रेट जो अगर अड़ जाए तो नहीं कम करता, वो कहता है नहीं जी मैंने यही रेट रखना है और यही रेट पे आपको देनी है, तो इसलिए फिर ना इनका बड़ा इशू सा फेस करना पड़ता है। तो लांसर में इनमें से चंद एक ही, अगर आप अब भी लेना चाहें तो ये आसानी से मिल जाती है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होती है, तक जो 12-14 मॉडल है उसकी भी प्राइस रीज़नेबल होती है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन मसला वही आ जाता है कि स्पेयर पार्ट्स का, हमारे मुल्क में जो स्पेयर पार्ट्स का बहुत इशू है वो आ जाता है। तो उसके बाद फिर आती है निसान सनी, ये जो निसान कंपनी की गाड़ी है ना, ये भी पाकिस्तान में एक मरतबा आई थी, हुई थी, जैसा किया वगैरह आई थी, तो उनके साथ ये निसान भी पाकिस्तान में आई थी, लेकिन उसके बाद इसकी ये अपनी मार्केट बनाने में कोई इतनी ज़्यादा नहीं रही, मार्केट की ना बना सकी, तो फिर ये चली गई थी, जैसे किया चली गई थी। लेकिन किया ने अब दोबारा स्टैंड लिया पाकिस्तान में, और ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम पाकिस्तान में स्टे करेंगे, तो निसान वालों का भी कोई इस तरह का सीन वगैरह नहीं है, तो वो एक पुराने मॉडल हैं, इनका तो बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सिंपली, अगर आपने रखी हुई हैं सारी कार्स वैल्यूएबल हो सकती हैं, अगर आपने बड़े शहर में रखी हुई हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ पे इनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं, और अगर आपने और जब भी ख़राब हो और आप फ़ौरन जाएं और इसे रिस्टोर करवा लें या ठीक करवा लें, कोई इशू नहीं, फिर बड़े शहरों में यानी ये वैल्यूएबल है। अगर तो आपने गाँव या दूर दराज इलाकों में रखी हुई हैं, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स का आपको इशू हो सकता है, मैकेनिक का इशू हो सकता है, तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ नहीं वैल्यूएबल, तो वहाँ पे ये बेकार हैं। हाँ, अगर मैकेनिकल गाड़ी बिल्कुल फिट हो तो क्या ही बात, जैसे कि हम भी रिस्टोर कर रहे हैं निसान को, वो मैकेनिकल बहुत गुड कंडीशन में है, तो उसके मैकेनिकल का कोई वर्क नहीं करना,
और वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं है उस पे, बस जस्ट बॉडी वर्क है और वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मेरे नज़दीक तो वैल्यूएबल हो सकती हैं अगर वो बड़े शहरों में हों, वरना नहीं। अब आपके इस बारे में ख्याल है तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।